स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो ये आज हम लोगों का जो है 7th लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ बातें करेंगे जो कि हमारा जो भी बचा हुआ टर्म था, ठीक है, जैसे कि बैटरीज हो गया, फ्यूल सेल्स हो गया और कोरोजन से हो गया। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे और आज ये हम लोगों का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने बात किया है, लगभग आप लोग प्लेलिस्ट से अगर नहीं देखें वीडियो को, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको शुरुआत से मिल जाएगा, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से ही मिल जाएगा। और यदि सॉल्यूशन देख लिए तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टार्टिंग किया था, तो उसमें यहाँ पे जो है गैल्वेनिक सेल, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टेंस, ये सारा जो भी टर्म हमारे एग्जामिनेशन से रिलेट करता था, वो सारा का सारा अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों का जो है लास्ट, ये आज का जो टॉपिक था, छोटा छोटा टॉपिक है, इनसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स उतना ज़्यादा यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि फार्मूलाज यहाँ पे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये बेसिकली आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन पार्ट होता है, तो इसको आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलता है, पिछले साल भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। एक बार समझ लेंगे वहाँ से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से उसी के वे में सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डिस्कस हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी यहाँ से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पर बैटरीज़, बैटरीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि एनी बैटरी एक्चुअली इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। जब एक या एक से अधिक, ठीक है, वन और मोर देन वन सेल को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, तो हम लोग को मिलता है बैटरी मिल जाता है। मतलब यहाँ से अगर सेल बाय सेल हम लोग एक एक करके कनेक्ट करेंगे उसको सीरीज में, तो हम लोगों को बैटरी का यहाँ पे जो है मिल जाएगा। तो वही चीज़ लिखा गया है कि कोई भी बैटरी जो होता है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से वन बाय वन यहाँ पे उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सभी सेल को, और सेल या फिर हम लोग इसको बैटरी कहें या फिर सेल कहें, दैट वी यूज़ एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सीधा सिंपल मैंने कहा था कि केमिकल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जहाँ पर चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और गैल्वेनिक सेल इसका जो होता है एक एग्जाम्पल होता है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो वही बोला कि कोई भी बैटरी है या फिर सेल है, तो उसका जो होता है सोर्स के रूप में यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में यूज होता है। अब ये जो होता है एक बेसिकली गैल्वेनिक सेल होता है, जो कि हमारा केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बैटरी में कोई भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होता है, उससे हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। फिर वही चीज़ लिखा है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरी। अब हम लोगों को जो है दो तरीके का बैटरी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सभी को पढ़ेंगे। बैटरीज क्या होते हैं, ये चीज़ तो आप लोगों ने समझ लिया। अगर सीधा सिंपल बैटरी के बारे में कुछ भी बात आए, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। फिर टाइप ऑफ बैटरीज यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप हमारा जो होता है वो हमारा होता है प्राइमरी बैटरीज़, ठीक है। क्या होता है, प्राइमरी बैटरीज़, और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी बैटरीज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है प्राइमरी बैटरीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि हमारा प्राइमरी बैटरीज़ क्या होता है। कहता है इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, ठीक है। प्राइमरी बैटरी में एक ही बार कोई भी जो भी वहाँ पे उसका रिएक्शन हमारा होगा, केमिकल रिएक्शन, तो वो उसमें जो होता है इस टाइप के बैटरी में वो एक ही बार रिएक्शन होता है। एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड, ठीक है। उसके बाद जब उसका यूज हम लोग कर लेते हैं, जब सारा उससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, बैटरी डेड हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, और दोबारा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारे यहाँ पे बैटरीज होता है, जो हम लोग घड़ी वगैरह में लगाते हैं, फिर हमारा जो टीवी का रिमोट वगैरह में होता है, तो उस सब में क्या होता है कि वो पेंसिल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पेंसिल बैटरी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार लगाते हैं, यूज करते हैं, उसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे जो उसका केमिकल रिएक्शन से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जितना उसका कैपेसिटी था उतना मिल गया, अब वहाँ पे अंदर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है जिस कारण से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि उसको जो है हम लोग फेंक देते हैं या फिर वो हमारा जो होता है क्या होता है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, या फिर इसको हम लोग एक नाम दें नॉन रिचार्जेबल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिचार्ज नहीं कर सकते, जो रिचार्ज करने लायक फिर नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे प्राइमरी सेल के अंदर लिया गया है। अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर लिखा है कि द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्राई सेल, ठीक है। इसको हम लोग ड्राई सेल के नाम से जो है यहाँ पे मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल होता है ड्राई सेल, ठीक है। इस तरह का मतलब जो प्राइमरी बैटरी हमारा होता है उसका जो मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है वो ड्राई सेल हमारा होता है, वही पेंसिल बैटरी जो मैंने बताया वही चीज़, जिसको हम लोग लैक्लांचे सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अदर नेम जो है ड्राई सेल का हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो लैक्लांचे सेल इसको कहा जाता है। तो इसको साथ के साथ हम लोग समझ सकते हैं। आगे फिर लिखा है कि विच इज़ यूज कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स, जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है वही घड़ी मैंने बताया उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। तो एक तरीके से इसका यूज बताया गया कि हमारा ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा यूज किया जाता है, और हमारा जो क्लॉक्स होता है जो घड़ी होता है। बाकी एग्जांपल आप और भी चीज़ों में इसको ले सकते हैं, पुराने टाइम में जो रेडियोज होता था उसमें भी हम लोग यूज़ करते थे, टीवी रिमोट में भी कर सकते हैं, एसी रिमोट में भी, मतलब इसको अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट फेमिलियर होता है वही जो होता है हमारा ड्राई सेल होता है, जिसको हम लोग लैक्लांचे सेल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में हमारा यूज होता है। फिर लिखा है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज हैपनिंग एज, अब जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हमारा इस टाइप के बैटरीज में होता है वो किस तरीके से होता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका जो ड्राई सेल है उसी का एग्जांपल लेके यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो ड्राई सेल देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये सेल हमारा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, फिर सारा यहाँ पे इसका एनोड और कैथोड वाला रिएक्शन देखेंगे। देखिए ये निप्पो का बैटरी जो आप लोग देखे होंगे, पेंसिल वाला सेल इस तरीके से यहाँ पे होता है, इसमें यहाँ पे कैप टाइप का लगा होता है, तो उसी का यहाँ पे एग्जांपल दिखा, इसको खोल के दिखाया। तो कभी ना कभी आप लोग एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत अपने से देखे होंगे, ठीक है, खोल के, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जानना मतलब क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होता है कि इसके अंदर क्या होगा नहीं होगा। तो हम लोगों ने भी बचपन में किया है, आप लोग भी किए होंगे ज़रूर, है ये हर कोई करता है, तो ये चीज़ तो बोलने वाली बात है नहीं, लगभग सारे जो बच्चे होते हैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से इसके अंदर है क्या वो देखना समझते हैं। लेकिन उस टाइम हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि इस टाइप का कुछ यहाँ पे चीज़ हो रहा है, लेकिन इस टाइप का चीज़ होता है तभी वहाँ पे हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका जो है आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें से ये कुछ इस तरीके से बाहर से रेड कलर का प्लेट टाइप से उसको बनाया जाता है पूरा का पूरा। उसमें से यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का ये कुछ इस तरीके से ये कार्बन रॉड होता है जो कि कैथोड की तरह बिहेव करता है। कैथोड एनोड तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है, एनोड हमारा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन रॉड है कैथोड की तरह काम करेगा, वहीं पर इसका यूज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। फिर यहाँ पे जो जिंक कप है ये एक कप की तरह इसके जो अंदर में सबसे पहले जो है बाहर से एक इस तरीके से जो ए वाला रेड वाला है इस टाइप से मतलब कवरिंग किया जाता है, फिर उसके अंदर जो ए पार्ट दिखाया जा रहा है ये जिंक कप होता है, ठीक है, जिंक का कप वहाँ पे लगाया जाता है जो कि हमारा एक्ट करता है किसके जैसा, एनोड के जैसा। ये सारा चीज़ आप मतलब एज इट इज समझ लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया। और कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आप लोग इसको जब खोलिएगा पूरा एकदम काली जैसा निकलेगा वहाँ से, तो इसमें क्या होता है कि MnO2 और प्लस में कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट होता है, ये तीनों का यहाँ पे मिला के यहाँ पे जो है इसका पेस्ट तैयार किया जाता है, जो कि इधर इधर कुछ इस तरीके से इसी के अंदर यहाँ पे ये जो होता है कार्बन का रोड लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है इसको देखिए, तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन हैपनिंग एज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है, तो एनोड पे तो हमारा जिंक वाला जो था ये चीज़ हो, तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन जिंक का होके क्या होगा कि जिंक का जब ऑक्सीडेशन Zn2+ में दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये क्या करेगा लूज़ कर देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा। अब कुछ इस तरीके से जो कैथोड का काम यहाँ पर करेगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, क्योंकि कार्बन रोड हमारा एक तरीके से कैथोड की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है काम कर रहा है, उसको जो MnO2 और NH4Cl पेस्ट में वहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि अब जो होता है वो कैथोड पे यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है। तो कैथोड पे क्या होता है हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या, हाँ, रिडक्शन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो MnO2 है वहाँ से जो NH4Cl है
उसमें NH4+ ये बना देता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज करता है और कुछ इस तरीके का ये कंपाउंड बनाता है। तो सीधा सिंपल यहाँ पे कहने का मेरा बात यही है कि ये एनोड और कैथोड वाला रिएक्शन को आपको जो है सिंपली याद रख लेना है किस तरीके से हुआ है। इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो एनोड पर हमारा कुछ इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2+ में चला जाता है। और यहीं पे अगर बात किया जाए तो कैथोड में हमारा MnO2 जो है वो कुछ इस तरीके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या एक तरीके से कंपाउंड बनाता है, MnO और OH यहाँ पे बनाता है और यहाँ पे अमोनिया गैस कुछ इस तरीके से NH3 का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये दो रिएक्शन यहाँ पे हुआ, एनोड पे हुआ और कैथोड पे हुआ। एनोड पे कुछ इस तरीके से जिंक का कन्वर्जन हुआ, इसमें MnO2 का इसमें कुछ इस तरीके से कन्वर्जन, और यहाँ पे लास्ट में जो NH3 इसमें निकलता। अब क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे अमोनिया बना है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा अमोनिया बना है तो वही लिखा है कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ जिंक 2+। अब जो ये अमोनिया यहाँ पे बना है वो ये जो जिंक 2+ है इसके साथ जो है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तैयार कर देता है कुछ इस तरीके से, ZnNH3 का होल 4 और वहाँ पे बाहर में 2+, इस टाइप का जो है हम लोग यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं इसको हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब अभी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब आएगा हमारा तो वहाँ पे इस टाइप का जो है कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हमारा जो है NH3 ZN2+ के साथ मिलके ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे रिएक्शन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सीधा सिंपल यहाँ पे ड्राई सेल को क्या कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, प्राइमरी सेल का एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, अब यहाँ पे बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आ जाता है, कहता है दिस सेल हैज़ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट, और इस टाइप के सेल का जो पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट होता है। तो आप कभी भी अब देखिएगा वो जो बैटरी हमारा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो वोल्टेज उसका जो है लिखा हुआ रहता है, तो उसको आप एक बार गौर कीजिएगा कि उसमें कितना वोल्टेज रहता है। तो वही लिखा है कि सेल पोटेंशियल जो होता है इसका 1.5 वोल्ट हो जाता है। तो एक तो हम लोग एग्जाम्पल देखें ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, लेकिन और भी इसका जो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, प्राइमरी बैटरीज का एग्जाम्पल है, वो कुछ इस तरीके से और होता है जो कि हमारा होता है मरकरी सेल। तो वही लिखा है कि मरकरी सेल इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। तो यहाँ पे दो तरीके का सेल जो है प्राइमरी सेल का एग्जांपल है, पहला है ड्राई सेल जिसको लेक्लांचे सेल कहते हैं और दूसरा हमारा मरकरी सेल है। तो इसी से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा है इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यदि आप इस चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें लिखा है कि मरकरी सेल इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। जो हमारा ड्राई सेल है उसका यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल नियरली 1.5 वोल्ट मिल जाता है, वहीं पे मरकरी सेल का जो होता है 1.35 वोल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। प्राइमरी बैटरीज़ क्या है, तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि प्राइमरी बैटरी वैसा होता है जिसमें जो रिएक्शन होता है वो एक ही बार होता है और कुछ समय के बाद उसका जो है वहाँ पे कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है। और कुछ इस तरीके से इसको हम लोग नॉन रिचार्जेबल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से इसको दोबारा हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, मतलब रीयूज्ड अगेन नहीं होता, नॉट रीयूज, कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। ये बात था इतना प्राइमरी बैटरीज पे। अब इसी पे देखिए पिछला साल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था जैक 2024 में, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और इस टाइप के CBSE में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है जो भी यहाँ पे बातें हैं तो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, दोबारा हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं, नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है, जो भी वहाँ पे रिएक्शन है उसका एक बार कंप्लीट होता है, दोबारा आगे नहीं चलता है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होता है प्राइमरी सेल के लिए सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, खुद से भी आप इस चीज़ों को कर सकते हैं, यदि आप कर लिए तो कमेंट में बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी अब मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिखा गया, सबसे पहला बात तो हम लोगों को प्राइमरी सेल अगर क्वेश्चन दिया गया है तो प्राइमरी सेल हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्राइमरी सेल हमारा होता क्या है, ये हो गया। अब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स्ड हो सकता है,
बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हम लोग पढ़े हैं कि एक बार मतलब चल गया तो वो खत्म हो जाएगा, दोबारा रिवर्स उसको हम लोग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, ट्रू वाला पूछा गया। अगला ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया इट कैन बी रिचार्ज, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नॉन रिचार्जेबल अभी हम लोग देख लिए, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज अ मरकरी सेल, तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे पढ़े मरकरी सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, तो हाँ ये चीज़ सही है। अब ये चीज़ सही है तो अगला और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या दिया गया। अब बोला कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा जो होता है वो सेकेंडरी सेल होता, तो ये भी हमारा गलत है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो देखिए इस टाइप का जो है ऑब्जेक्टिव सीधा सिंपल यहाँ से पूछा जाता है, क्या हार्ड है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने पढ़ा वहीं से क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, ठीक है। दो तरीके का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ड्राई सेल देख रहे हैं, मरकरी सेल देख रहे हैं। यहाँ पे वही बात है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और ये जो रिचार्जेबल नहीं होता है मतलब नॉन रिचार्जेबल होता है, तो भाई इट कैन बी रिचार्जेबल यहाँ पे लिख दिया, तो ये तो गलत बात है, ये तो नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एकदम लेटेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल, तो चांसेस रहेगा कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से, इतना जो कर लेगा वो किसी भी जो भी हम लोग चैप्टर अभी पढ़ें, भले यहाँ पे हम लोग का टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में सारा मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारा कंप्लीट हो जाए। तो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया, एक भी क्वेश्चन वहाँ से अभी अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, अगर देखिए स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने पहले कहा है, चैप्टर जो भी यहाँ पे लेक्चर बताया जा रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो प्लेलिस्ट में बनाया गया उसको जाके देखिए, प्रीवियस ईयर का भी प्लेलिस्ट में बनाया गया उसको देखिए, ये तीन यहाँ पे हो गया। उसके बाद यदि आपको उसके बाद भी यदि टाइम आपका बचता है, एक बार एनसीईआरटी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब सारा चीज़ यहाँ पे समझा दिया जाएगा तो आप आसानी से उन सभी को कर सकते हैं। उसके बाद जो भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है मुझे नहीं लगता है कि अलग से आपको कहीं भी कुछ भी देखने का ज़रूरत है या फिर आपको कुछ भी समझने का ज़रूरत है। इतना यदि आप कर लिए तो आपका फुल में फुल मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, बाकी जो देखने वाले वो तो देख ही रहे हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से जो बने हुए हैं उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, तो वही सारा चीज़ है, अच्छे तरीके से आप लोग देखते हुए चलिए, सारा यहाँ पे कराया जा रहा है। अब हम लोग जो है प्राइमरी बैटरीज की बात हम लोगों ने कर लिया, उस पर यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लिए कि पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब जो यहाँ पे है पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब सेकेंड जो हमारा यहाँ पे बैटरी है सेकेंडरी बैटरीज इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हो सकता है प्राइमरी बैटरी से पूछा गया तो सेकेंडरी बैटरी से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसको आप लोग समझिएगा। तो सेकेंडरी बैटरी की तरफ अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो सेकेंडरी बैटरी हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। कहता है सेकेंडरी सेल या बैटरी आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करेंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। जिस तरीके से प्राइमरी बैटरीज हमारा था उसको क्या किया जा रहा था कि दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी हमारा होता है उसको हम लोग दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग करेंट थ्रू इट, उसमें करेंट को पास करके इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि जिधर हमारा करेंट जाता है, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसके अपोजिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो यदि हम उसको दोबारा करना चाहें तो उसको क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम लोग जब उसका जो है रिएक्शन करेंगे तब वो सारा फिर से रिचार्ज यहाँ पे होता है। तो एक तरीके से उसका जो है अंदर का बात है कि किस तरीके से उसको रिचार्ज किया जा सकता है, तो पासिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ताकि उसको हम लोग दोबारा यूज कर सके, इसलिए वहाँ पे उस टाइप का यहाँ पे करंट को पास किया जाता है। फिर आगे लिखा है अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। और जो हम लोगों का अगर अच्छे तरीके से एक तरीके से तो याद रखिए कि 100% तो कोई भी चीज़ दोबारा यूज किया नहीं जा सकता, ये तो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार उसका यूज कर लें तो दोबारा नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि दोबारा यूज कर सकते हैं, प्राइमरी बैटरी में जो हमारा था उसको एक बार यूज कर लें तो एक बार ख़त्म, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसको जो है हम लोग जब तक इसका कैपेसिटी उसके रिएक्शन को कंप्लीट करने का, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें अंश जब तक बचता है, जब तक उसका कैपेसिटी होता है कि उसका जो रिएक्शन है वो हम लोग आगे फर्दर बार बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं, तभी तक वो जो है रीयूज हमारा होगा, रिचार्ज होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी बैटरी के कंपेरिजन में वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो वही लिखा है कि डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल इसका जो है बार बार उसको यूज करेंगे तो हमारा वो रिचार्ज हो जाएगा। फिर लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज़ द लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए ये मोस्ट कॉमनली यहाँ पे यूज होता है जो कि ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में यूज होता है। आप लोग घर में देखे होंगे, घर में क्या बाइक वगैरह में देखते हैं जो भी बैटरी हमारा लगा रहता है, जो
कुछ कार्स वगैरह में बैटरीज का हम लोग यूज़ करते हैं, घर में हमारा इन्वर्टर होता है उसमें हम लोग जो बैटरी का यूज़ करते हैं, तो वो एक तरीके का हमारा सेकेंडरी बैटरी होता है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो होता है एक तरीके से उसमें जो लिक्विड हम लोग डालते हैं, जो पानी उसमें डालते हैं, तो देखते नहीं कभी कभी पानी जो कम हो जाता है तो उसमें हम लोग पानी दोबारा डाल देते हैं ताकि उसका जो है रिएक्शन बार बार होता रहे, हमारा अच्छे तरीके से बैटरी का लॉन्ग लाइफ चले। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बैटरी हमारा क्या होता है खुद में ही जो है डाउन होता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को उसमें हम लोग देते हैं और उसको चार्ज हम लोग कर लेते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर लेते हैं। लाइन हमारा आता है तो हम लोगों का बैटरी क्या होता है चार्ज होने लगता है, इन्वर्टर से उसको कनेक्ट करते हैं तो फिर जैसे ही लाइन कटता है हमारा फिर हम लोग उसका यूज करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार उसको चार्ज करें दोबारा उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज कर ले रहे। तो जो सेकेंडरी बैटरीज हमारा होता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से बार बार यूज कर सकते हैं जब तक उसका कैपेसिटी है कि वो केमिकल रिएक्शन को आगे चला पाए तब तक। ठीक है, तो कॉमनली जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल है इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल का वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है जिसको हम लोग ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में इसका यूज करते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंडरी बैटरीज का था। अब यहाँ पे देखिए इसका सेल रिएक्शन किस तरीके से काम करता है। उससे पहले यहाँ पे जो बैटरी हमारा है उसका यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, आप लोग देखिए इस तरीके का बैटरी हमारा होता है जो कि हमारा बाइक वगैरह में जो इन्वर्टर वाला में यूज करते हैं बैटरी उसका होता है। तो इसमें क्या है देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू टाइप का कलर दिखाई, ये हमारा एनोड का काम कर रहा है और कुछ इस तरीके से ये जो इधर है ये माइनस है एनोड और ये प्लस है हमारा कैथोड। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड से तो डायरेक्टली हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो यहाँ पे देखिए ये 38% सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें जो है सॉल्यूशन को रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर इसको बोला जाता है नेगेटिव प्लेट, जो कि लेड ग्रिड्स जो कि फील्ड होता है स्पॉन्जी लेड से, मतलब एक तरीके से स्पॉन्जी लेड का जो है वहाँ पर मिक्सचर लगाया जाता है उसमें, मतलब भरा जाता है फिल किया जाता है, और ये नेगेटिवली प्लेट होता है यही हमारा एनोड के रूप में काम करता है जो कि हमारा लेड ग्रिड से वहाँ उसमें होता है, मतलब लेड जिसको पीबीएस का होता है तो लेड का वहाँ पे जो स्पॉन्जी टाइप का उसमें फिल किया जाता है ग्रिड्स को और ये हमारा एनोड की तरह बिहेव करता है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा यहाँ पे जो हमारा कैथोड की तरह बिहेव करता है, देखिए ये वाला जो यहाँ पे है ये वाला पट्टी इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो हमारा होता है देखिए यहाँ पे सारा सी यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए इसका जो तीर यहाँ पे ये जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो ये जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव प्लेट होता है, पॉजिटिव देखिए यहाँ पे और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमारा इसमें एनोड की तरह काम करता है और जो हमारा पॉजिटिव वो कैथोड की तरह। एनोड में तो जान रहे कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो भी होगा वो चीज़ एनोड पे देखने को मिलेगा और कैथोड पे हमारा जो होगा वो रिडक्शन का चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसमें जो होता है लेड ग्रिड जो कि फील्ड होता है वो PbO2 के साथ इसमें मिक्स करके इसको किया जाता है। एक तो हमारा स्पॉन्जी टाइप का लेड ग्रिड से यहाँ पे होता है और इसमें क्या होता है ये हमारा जो होता है एनोड वाला और कैथोड वाला में क्या होता है कि इसमें लेड ग्रिड जो होता है वो PbO2 के साथ यहाँ पे उसको मिक्स करके फिल किया जाता है जो कि हमारा कैथोड की तरह बिहेव करता है। अब इसी के आधार पे यहाँ पे इसका जो सेल रिएक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। वही लिखा गया है कि द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज यूज आर गिवन बिलो, जब बैटरी हम लोग का यूज होता है तभी तो वहाँ पे सेल रिएक्शन काम करेगा। ठीक है, वैसे पड़ा रहेगा तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, एक बार उसको चालू कर देंगे तभी तो हमारा बार बार रिएक्शन को करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी आप लोगों को जो है एनोड और कैथोड वाला ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको आपको याद रखना है ताकि आप एग्जामिनेशन में भूलें ना। तो इसमें क्या होता है एनोड पे कुछ इस तरीके से जो हमारा होता है ऑक्सीडेशन लेड का होता है जो कि यहाँ पे SO4 एक्वस के साथ कुछ इस तरीके से जाके हमारा PbSO4 यहाँ पे सॉलिड और दो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड जो हमारा होता है कैथोड पे रिडक्शन तो PbO2SO4 और 4H प्लस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा आ जाता है SO42- हमारा वहीं से आएगा H2SO4। तो एनोड पे तो हमारा ऑक्सीडेशन है तो कुछ इस तरीके से लेड जो होता है SO42- के साथ मिलकर PbSO4 बना देता है और दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। वहीं पे कैथोड पे हमारा PbO2SO42- और इसमें H+ भी कुछ इस तरीके से और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये गेन करेगा और यहाँ पे PbSO4 में ये भी चेंज करेगा और लिक्विड जो H2O यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलीज करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों में हमारा देखने से वही PbSO4 सॉलिड इस PbSO4 सॉलिड दोनों में सेम मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम लोग देखें कैथोड और एनोड पे तो कुछ इस तरीके से एनोड का तो ये हमारा हो गया कैथोड का ये हो गया, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा दो इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल होगा, पीबी सॉलिड पीबी ओटू यहाँ से लगाएंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा H2SO4 एक्वस कुछ इस तरीके से जो कि आएगा जो कि हमारा यहाँ पे
जो हम लोगों ने SO4 को कट किया था, तो ये चीज़ हमारा रहेगा, तभी हम लोगों को H2SO4 यहाँ पे मिलेगा ना। तो PB और PbO2 और ये जो दो SO4 और 4H+ यहाँ पे, उससे मिल के हमारा जो है कुछ इस तरीके से 2H2SO4 है, क्योंकि 4H है तो दो दुनिया 4 यहाँ पे, और दो SO4, एक SO4 एक SO4 दोनों मिला के यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरीके से तीनों मिलेगा, और लास्ट में हमारा जो यहाँ पे PbSO4 सॉलिड फिर से वो हमारा बना देगा, और H2O लिक्विड कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है सेल रिएक्शन, आपको याद रखना है प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए, दोनों के लिए आपको याद रखना है, और ओवरऑल यहाँ पे जो इसका आता है कैथोड और एनोड मिला के, इसको भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो आप कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, जो भी चीज़ यहाँ पे बताया गया उसको आपको याद रखना है, और हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं तो याद रहेगा ही। आगे लिखा है कि ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अब जो है बैटरी को जब चार्ज कर, जो हमारा PbSO4 बना है ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू पीबी एंड PbO2, वो हमारा फिर से क्या होता है पीबी और PbO2 में, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये जो है जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं तो ये वापस चलता है, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल की तरह ये काम कर रहा है, जिसके कारण ही हमारा ये बार बार हम लोग इसको यूज में ले आते हैं। तो ये कुछ बात यहाँ पे लिखा गया, तो कुछ भी यहाँ से आपको जो है आ सकता है, सेकेंडरी बैटरी यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बारे में सारा चीज़ लिखा गया है, सेल रिएक्शन जो भी उसका काम कर रहा है उससे है, यहाँ पे बैटरी का हम लोगों ने फिगर बना दिया है, जिसमें ये नेगेटिव वाला हमारा एनोड की तरह है, पॉजिटिव वाला कैथोड, और जो हमारा नेगेटिव है और लेड स्पॉन्ज लेड ग्रिड्स का स्पॉन्जी जो है कुछ इस तरीके से फिल्ड किया जाता है मटेरियल, और कैथोड पे हमारा जो होता है लेड ग्रिड्स को PbO2 के साथ किया जाता है, और यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन इसमें होता है वो एसिडी का आपका जो 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कैथोड पे वो रिएक्शन आगे फर्दर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी का एक और एग्जांपल है, प्राइमरी सेल में हम लोगों ने क्या क्या देखे थे, ड्राई सेल देखे थे जिसको लेक्लांचे सेल भी नाम बोल रहे थे, और दूसरा उसमें था मरकरी सेल। उसी तरीके से जो हमारा सेकेंडरी सेल है इसमें हमारा ये हम सबसे पहले क्या था लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी ये पहला हो गया, और इसी तरीके का जो एक और एग्जांपल इसका होता है सेकेंडरी बैटरी का, वो होता है कुछ इस तरीके से निकल कैडमियम सेल, जो कि क्वेश्चन में हमारा जो लास्ट ऑप्शन था उसमें प्राइमरी वाला में, ठीक है, अगर वहाँ पे सेकेंडरी पूछता तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या लगभग दो तीन ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो वही लिखा है कि अनदर इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल इज़ द निकेल कैडमियम सेल विच हैज़ लॉन्गर लाइफ, इसका लाइफ जो होता है लॉन्गर होता है, मतलब ज़्यादा होता है किससे, लेड स्टोरेज सेल से, बट मोर एक्सपेंस टू मैन्युफैक्चर, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा जो है खर्चा पड़ जाता है, एक्सपेंसिव होता है बहुत ही ज़्यादा किससे, जो हमारे यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी होता है उससे, कौन सा, हाँ निकेल कैडमियम सेल। तो सब मेजर मेजर पॉइंट क्या है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, प्राइमरी सेल में उसको नॉन रिचार्जेबल होता है, एक बार यूज कर ले तो ख़त्म, सेकेंडरी सेल में हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि एक को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं किसको, सेकेंडरी को, लेकिन प्राइमरी को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एक को हम लोग यूज करेंगे तो एक बार यूज करेंगे दोबारा ख़त्म, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं किसको, सेकेंडरी को, लेकिन प्राइमरी को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग और एग्जांपल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है डिफरेंस, एक और एग्जांपल कोई भी दे देंगे सेकेंडरी सेल की तरफ हम लोग दे देंगे कि निकल कैडमियम सेल इसका जो होता है एग्जांपल होता है सेकेंडरी सेल का, वहीं पे मरकरी सेल जो होता है प्राइमरी सेल का, तो इस तरीके से आपको जो है इसका डिफरेंस भी अगर पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। वोल्टेज वाला बात था तो उसको भी वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी इतना 3 पॉइंट तो हमारा वैसे भी बन जाएगा। तो ये चीज़ हमारा था बैटरीज, जो कि हमारा प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज था। अब उसी में जो आगे हम लोग डिस्कस हैं वो एक फ्यूल सेल करके होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल देखिए क्या होता है, एक तरीके से फ्यूल का सेल बनेगा। यहाँ पे लिखा है कि द गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन मीथेन मिथेनॉल ETC डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा फ्यूल है उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा के देगा, तो इसीलिए वो वही चीज़ लिखा है कि, और एक तरीके से जितना भी सेल और बैटरी हमारा अभी हम लोग ऊपर देखें कि बैटरी एक तरीके से गैल्वेनिक सेल की तरह काम करा है, जाहिर सी बात है क्योंकि बैटरी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा मिलेगा कैसे, केमिकल एनर्जी, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करेगा तब केमिकल एनर्जी वहाँ पे कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी जो होता है हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल उसका गैल्वेनिक सेल के रूप में हमारा काम करता है, तो ये चीज़ हो गया। वही लिखा है कि द गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल,
जो भी हमारा कम्बसन होता है फ्यूल का, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मिथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो इन सभी का जो कम्बसन के द्वारा हम लोगों को जो एनर्जी मिल जाता है उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। तो फ्यूल सेल क्या होता है, अगर डेफिनेशन पूछे सीधा सिंपल यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लिख डालना है, ठीक है, बाकी समझ लिए तो आप आसानी से उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूजेज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। एक यहाँ पे सबसे सक्सेसफुल फ्यूल सेल के बारे में बताया गया जिसमें रिएक्शन जो होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ होता है और वहाँ से वाटर भी जो है हम लोगों को मिल जाता है, मतलब एक तरीके से बैटरी का भी काम करा है और वाटर भी वहाँ से हमारा जो है मिल जाता है। फिर लिखा है कि द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर गिवेन बिलो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये जो बैटरी वाला टर्म है इसको आपको एक तरीके से जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ माना गया है उसी को आपको याद रखना पड़ेगा, कैथोड पे एनोड पे किस तरीके से हो रहा है ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी उसका कन्वर्जन हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। कैथोड है तो उस पर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन हो रहा है या नहीं, ये चीज़ आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा अगर एनोड है ऑक्सीडेशन है तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ जो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, और यदि हमारा कैथोड है तो वो करेगा हमारे रिडक्शन की तरह, मतलब वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारा तो बेसिक चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया पिछले वीडियोज़ में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन किस तरीके से काम करता है, उससे पहले यहाँ पे देखिए इसका कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे बनाया गया है फ्यूल सेल का वो कुछ इस तरीके से है। एक बॉक्स टाइप का बनाया जिसमें H2 गैस को इधर से फिल किया जा रहा है, O2 गैस को इधर से फिल किया जा रहा है, बीच में कुछ इस तरीके से दो यहाँ पे जो है रॉड की तरह लगाया गया और बीच में कुछ इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल को रखा गया। तो एक रॉड हमारा जो इस साइड का है लेफ्ट साइड वाला वो हमारा जो है एनोड की तरह बिहेव करेगा जो कि हमारा नेगेटिव होगा, और जो राइट साइड वाला कैथोड की तरह जो कि हमारा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो बीच में है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को रखा जाता है, अब वो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट किसी भी तरीके का हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से वहाँ पे लिए हैं। तो बाकी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है और यही एक्वस इलेक्ट्रोलाइट जब सारा का सारा रिएक्शन होगा तो लास्ट में H2O का जो यहाँ पे रिमूवल देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ लिखा है, क्या लिखा है देखिए, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है। तो कैथोड पे जब हमारा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो है हमारा इंटर कर रहा है तो ऑक्सीजन जो है H2O के साथ यहाँ पे मिलता है और कुछ इस तरीके से जो हमारा चार इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है और हमारे यहाँ पे चार OH कुछ इस तरीके से एक्वस बना देता है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा। चार OH यहाँ से बन गया। एनोड पे हमारा क्या है, H2 कुछ इस तरीके से आ रहा है, चार OH जो हमारा है वो यहाँ से जो भी हमारे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसके साथ यहाँ पे मिक्स करके H2O लिक्विड बनाएगा और चार इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से लूज कर देगा। तो ये हमारा कैथोड पे रिएक्शन है, ये हमारा एनोड पे। अब ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन होता है उसमें क्या करते हैं हम, ओवरऑल में दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे देखें तो H2 और O2 ये मिलेगा और बनाएगा यहाँ पे H2O लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे 4OH ये चीज़ ख़त्म हो गया। कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन से हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, और यहाँ पे जो अब हमारा होगा वो यहाँ पे देखिए 2H2 है, इधर 4H2O, तो दो ठो कट जाएगा और बचेगा दो, वही चीज़ यहाँ पे दो पे दो इस तरीके से आया हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन है इसका एनोड और कैथोड पे, और ओवरऑल रिएक्शन भी है, मतलब यहाँ पे लास्ट में देखिए कुछ इस तरीके से H2 गैस और O2 गैस जब मिलता है तो H2O लिक्विड हमारा ये चीज़ कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो यही हमारा फ्यूल सेल है, मतलब सीधा सिंपल है कि जो भी हमारा फ्यूल का कम्बसन है उससे हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसी को हम लोग फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोगों को जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका जो है एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना गया है, जिसमें से वाटर भी हम लोगों को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात जो है उसको हम लोग देखिए, सारा चीज़ यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वही सारा बात यहाँ पे लिखा गया है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें सेल रिएक्शन काम करती है और क्या और भी एक्स्ट्रा इसमें है, वही सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि द सेल रन्स कंटिन्यूसली, जो सेल ये जो बैटरी यहाँ पे हमारा वो क्या करता है, रन करता है, क्या करता है, कंटिन्यूसली रन करता है, एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड, जितना ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टेंट को सप्लाई किया, इधर से O2 को किया गया, जितना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग इसको सप्लाई इसमें करते रहेंगे, सप्लीमेंट इसका जितना ज़्यादा बढ़ते रहेगा उसी तरीके से यहाँ पे सेल जो है इसका रन करता रहेगा। फिर लिखा कि फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर्ड थर्मल प्लांट हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40%, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि जो भी हमारा फ्यूल सेल होता है वो हमारा जो थर्मल प्लांट से हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उससे 70% जो है ज़्यादा देता है, ठीक है,
अबाउट 40% इफिशेंसी इसमें होता है थर्मल प्लांट, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फ्यूल सेल के द्वारा होता है 70% होता है इफिशेंसी, किसके तुलना में, थर्मल प्लांट में। वही लिखा है कि दीज आर पोल्यूशन फ्री, और ये जो हमारा फ्यूल सेल होता है वो एक तरीके से पोल्यूशन फ्री सेल भी होता है। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पोल्यूशन फ्री सेल किसको बोला जाता है, ऑप्शन वहाँ पे दिया जा सकता है, उसमें आप फ्यूल सेल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारा था फ्यूल सेल्स के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने बैटरीज को देखा, बैटरी को क्लासीफाई हम लोगों ने दो तरीके से किया, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी हम लोग डिस्कस किए, फिर आगे हम लोग यहाँ पे फ्यूल सेल को डिस्कस कर लिए। अब जो हम लोगों का यहाँ पे लास्ट जो हमारा जो है सबसे लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचता है वो हमारा हो जाता है कोरोजन। भाई साहब ये चीज़ तो आप लोग समझेंगे, संक्षरण इसको बोला जा, संक्षारण या संक्षरण इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लोहे में जंग लगना या फिर कोई भी चीज़ का जो मेटेलिक चीज़ होता है उसमें वहाँ पे उसका जो है जंग वगैरह रस्ट वगैरह लगना, तो उसी को हम लोग एक तरीके से कोरोजन में अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोरोजन यहाँ पे क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो कोरोजन देखिए सबसे पहले होता क्या है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। कहता है कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विथ ऑक्साइड और अदर साल्ट ऑफ द मेटल। अब क्या होता है कोरोजन सीधा सिंपल क्या होता है कि एक तरीके से किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट पे जो है एक सरफेस बना लेता है ऑक्साइड या उसके साल्ट का, ठीक है। कोई भी हमारा यहाँ पे मेटल सरफेस है, इस तरीके मेटल है, बेसिकली मेटल है, तो इसके सरफेस जो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे होगा इस पे जो होता है ऑक्साइड या फिर इसका साल्ट के रूप में जो होता है इसमें क्या करता है कोट बना लेता है, मतलब उसमें जाके एक धब्बा टाइप का वहाँ पे लग जाता है जो कि किसका रहता है उसका ऑक्साइड या फिर उसका साल्ट का रहता है। यहाँ पे देखिए तो सीधा सिंपल कोरोजन बोले तो क्या बोलेगा कि व्हेन ओवर एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट स्लोली कोट्स द सरफेसेस विथ ऑक्साइड और अदर साल्ट्स ऑफ द मेटल इज नोन एज कोरोजन। सीधा सिंपल अगर कोरोजन पूछा जाए तो वही चीज़ जो मैंने बताया कि कोई भी मेटल सरफेस, इसको आप आसानी से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कोई भी मेटल सरफेस जो होता है उस पर वहाँ पर क्या होता है ऑक्साइड और उसके साल्ट का कोटिंग हो जाता है, ठीक है, कोट्स टेक्स प्लस, तो इस तरीके से आप उसको बना के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है अगला यहाँ पे जो लिखा गया है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल के रूप में बताया जा रहा है कोरोजन के, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका आ गया, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का जो टर्निशिंग उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जो हमारा कॉपर और ब्रॉन्ज मटेरियल्स होते हैं उस पर क्या होता है ग्रीनिश कलर या फिर ग्रीन कोटिंग उस पर आके लग जाता है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, तो कोरोजन का ये कुछ एग्जाम्पल है, क्या क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ये इसका एग्जाम्पल है कोरोजन का। अब लिखा है कि कोरोजन ऑफ आयरन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि रस्टिंग क्या है, तो लिखा है कि कोरोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग। कोरोजन अगर आयरन का स्पेशली अगर आयरन का बात किया जाए अगर उसका कोरोजन हो रहा तो उसको हम लोग रस्टिंग के नाम से जानेंगे। तो रस्टिंग सीधा सिंपल आपको पूछा जाए तो लिखेंगे कि कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, जो कि हमारा रस्टिंग जो होता है मान लीजिए कोई भी ये लोहे का एक ब्लॉक है तो इसका इसमें जो अगर रस्टिंग यहाँ पे इस पे लग गया है जंग जो हमारा लग रहा है तो उसका लगने का कारण यहाँ पे हो सकता है वाटर हो या फिर उसका एयर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हो उससे वो रिएक्शन करके करेगा। तो दो तरीके से हो सकता है, पानी के कम जो है कॉन्टेक्ट में आए तो वहाँ से भी उसका रस्टिंग हो जाएगा, और अगर हमारा इन्वायरमेंट से जो एयर है उसमें जो भी हमारा क्योंकि मोस्ट एयर से ही वहाँ पे बेसिकली वो होता है पानी का अंश तो उसमें होता ही है तो वहाँ से भी हमारा जो है कोरोजन देखने को मिलता है। और कोरोजन अगर हमारा आयरन का हो तो उसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं, मतलब रस्टिंग उसका मेजर नाम रस्टिंग है, अब उसको हम बोल सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है ये चीज़, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो तरीके से, यहाँ पे देखिए ये आयरन का कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक है जिसमें एनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे रिएक्शन दिखाया। अब क्या होता है कि ये आयरन जो होता है वो कुछ इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन को जो है इसमें लूज कर देता है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और खुद यहाँ पे ऑक्सीडाइज कुछ इस तरीके से होता है Fe2+ में बना लेता है कुछ इस तरीके से। अब ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, ठीक है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बचा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, वो कुछ इस तरीके से कैथोड जैसा बिहेव करने लगता है। सबसे पहले तो आयरन खुद से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके यहाँ पे हमारा Fe2+ बनाया जो कि हमारा एक एनोड की तरह काम करे क्योंकि वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पर जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा जो इसमें आके बचा था वो क्या करता है कि जो हमारा एटमोसफियर से ऑक्सीजन और जो उसमें यहाँ पर बेसिकली हाइड्रो एसिडिक यहाँ पर ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है उसमें एसिड काफ़ी मात्रा हमारा जो हमारा क्या बोल सकते हैं एनवायरनमेंट में है, तो उसके कारण एच प्लस और वहाँ पे ओ टू के साथ ये चार इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से काम करेगा, रिडक्शन का काम करेगा, एच टू ओ कुछ इस तरीके से बना लेगा। तो रिडक्शन जहाँ पे होता है हम लोग कैथोड हो जाएगा, कैथोड हमारा कौन सा काम करा, यही जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कुछ इस तरीके से जो ऑक्सीजन और ये हमारा एच प्लस के साथ वहाँ पे रिएक्शन करके एच टू ओ का निर्माण करता है, कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे जो एफ ई टू प्लस बना था वो भी क्या करता है, फर्दर वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एफ ई टू ओ थ्री जो कि हमारा जो है रस्ट के जैसा यहाँ पे बना देता है, मतलब जंग वहाँ पे वो ला के उसका सरफेस पे बना देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये प्रोसेस था कुछ इस तरीके से चला है। इसमें आपको याद रखना जो है ये यहाँ पे इसका है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। एनोड पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है जो कि आयरन जो है आयरन टू प्लस में चल जा रहा है चार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे आयरन दो को हम लोग ले ताकि बैलेंसिंग हमारा चलता रहे। बाकी और भी यहाँ पे आयरन तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक ही है, जितना ज़्यादा वो आपका ऑक्सीडाइज करेगा उतना ज़्यादा उसमें रस्टिंग वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आयरन कुछ इस तरीके से एफ ई टू प्लस में गया, चार इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से लूज किया। कैथोड पे क्या हो रहा है कि ये जो चार इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से वो ऑक्सीजन और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन प्लस है उसके साथ मिक्स करके कुछ इस तरीके से एच टू ओ जो है लिक्विड बना दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल इसी का बनाया गया है रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से तो हमारा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इधर टू एफ ही सॉलिड यहाँ पे लिख दिए, ओ टू गैस यहाँ पे चार प्लस ए पूरा का पूरा बन रहा है। यहीं से हम हमारा जो है कुछ इस तरीके से एफ ई टू प्लस और यहाँ पे एच टू कुछ इस तरीके से बना। तो ये तो हमारा जो है सबसे पहले ओवरऑल ये हमारा रिएक्शन हुआ जो कि एनोड और कैथोड पे टैक्स प्लेस कर रहा है, मतलब वहाँ पे बन रहा है। वहीं पे जो हमारा ये चीज़ यहाँ पे बना, ये जो हमारा एफ ई टू प्लस बना वो क्या करता है कि एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे जाके वो रिएक्शन कर लेता है। ये फाइनली यहाँ पे रिएक्शन ये करता है और जाके एफ ई टू ओ थ्री कुछ इस तरीके से यहाँ पे रस्ट यहाँ पे जो उसका निर्माण करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आगे देख सकते हैं कि द फेरस आयन जो हमारे ये एफ ई टू प्लस है आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। यहाँ पे यहाँ से तो ये ऑक्सीडाइज करके आ गया और फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलके ये ऑक्सीडेशन कर लेता है। वही लिखा गया एटमोसफेरिक ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन, इसमें ये फेरिक आयन में जाके चेंज होता है विच कम आउट एज रस्ट, और वही हमारा जो रस्ट के जैसा वहाँ पे अपीयर होता है दिखाई पड़ता है, जो कि देख सकते हैं एकदम इसका ब्राउनिश कलर का यहाँ पे बेसिकली रस्ट का तो वही होता है, आयरन वगैरह में जो हमारा लोहा वगैरह में लगता है जंग तो वो ब्राउनिश टाइप का होता है, तो वही जो है रस्ट के जैसा रूप वहाँ पे ले लेता है। इन द फॉर्म जो इसका फॉर्म होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर कम मात्रा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एफ ई टू ओ थ्री इसमें एच टू ओ भी जो है इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, जो कि हमारा रस्ट। तो कभी कभी रस्ट का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ या फिर इस तरीके से यहाँ पे जो भी वहाँ पे क्योंकि रिएक्शन एक्स माना गया क्योंकि जितना वहाँ पे वाटर का आपका मॉलिक्यूल रहेगा उस तरीके से उसमें ऐड किया जाएगा। एंड विथ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और फिर आगे जो है यहाँ पे इसको हाइड्रोजन आयन में जो है फर्दर वो चेंज हो जाता है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से हमारा कोरोजन का एक कंसेप्ट था, इसी तरीके से कोरोजन हमारा काम करता है। एनोड और कैथोड पे रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आयरन जो होता है हमारा ऑक्सीडाइज करता है एफ ई टू प्लस में, फिर यही इलेक्ट्रॉन जाके वायुमंडल में जो हमारा इन्वायरमेंट है ठीक है उसमें जाके क्या करता है H प्लस और O2 के साथ मिलता है और जाके H2O बना लेता है, और ये जो Fe2 प्लस बना वो फिर से हमारा ऑक्सीजन के साथ मिलके Fe2O3 बनाता है, और यही Fe2O3 और ये H2O मिलके हमारा जो है रस्ट का निर्माण यहाँ पे करता है, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हमारा डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया ये चीज़ सारा। अब यहाँ पे कुछ बात लिखा गया कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब जो कोरोजन हमारा हो गया, अब कोरोजन से हम लोग बच कैसे सकते हैं उस पर यहाँ पे कुछ बात जो है हम लोग कर लेते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से किस तरीके से जो है हम लोग उसका छुटकारा पा सकते हैं इसको देखेंगे। तो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसको अच्छे तरीके से देखना है। इसमें लिखा गया कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज़ द प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे प्राथमिक महत्व है ये जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, क्योंकि अब तो कोरोजन हो गया तो उससे हम लोग किस तरीके से निजात पाएंगे, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे छुटकारा जो भी हम लोग बोल सकते हैं उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये प्राइम इम्पोर्टेंस हमारा होता है। इट इज़ नॉट ओनली सेव्स मनी, ये सिर्फ पैसा को ही नहीं बचाता है, बट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट सच एज ब्रिज कोलैप्स,
कभी कभी जो भी हमारा बड़ा बड़ा ब्रिज बनता है, अगर उसमें हमारा अगर जंग लग जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो होगा ब्रिज टूट वगैरह जाएगा, तो वहाँ से एक्सीडेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। जो भी हमारा मटेरियल्स हमारा लोहा से बनता है, उसमें अगर जंग लग गया तो धीरे धीरे क्या करता है, उसको पूरी तरीके से खा जाता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वही बोला है कि वह सिर्फ हमको पैसा नहीं बचाता है, बल्कि एक्सीडेंटल से भी, हम एक्सीडेंट से भी प्रिवेंट हमको मिलता है, जैसे कि ब्रिज कोलैप्स जो हमारा हो जाता है, और फेल्योर ऑफ अ की कंपोनेंट ड्यू टू कोरिजन। कभी कभी हमारा जो होता है चाबी वगैरह भी हमारा, तो एक तरीके से उसमें मेटल का यूज है, तो उसको भी हमारा रस्ट के कारण वो ख़त्म हो सकता है। तो उस उन सभी से जो है हम लोगों को प्रिवेंट करने का जो है ये चीज़ हमारा कोरोजन के लिए जो होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमको उसका ज़रूरत हो जाता है कोरोजन से किस तरीके से प्रिवेंट करें, क्योंकि ये सिर्फ पैसा को ही नहीं बचा रहा, बल्कि जो हमारा बहुत सारे एक्सीडेंटल चीज़ों को भी यहाँ पे वो कवर कर रहा है। फिर लिखा है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, कोरोजन का जो सबसे बचने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इज़ टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एटमोसफेयर। वो क्या होगा कि सबसे पहले जो भी अगर कोरोजन से हमको बचना है, तो जो हमारा मेटल का जो हमारा सरफेस है उसको हमारा जो एटमोसफेयर से वाटर है या फिर ऑक्सीजन है जो भी वहाँ पे, उससे हमको उसके कांटेक्ट को बचाना होगा। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा लोहा का गेट वगैरह का होता है, लोहा का कोई भी चीज़, तो उसको पॉलिश कर देते हैं, उसमें जो होता है कलर कर देते हैं, ताकि उसका कांटेक्ट जो है डायरेक्ट उससे ना हो। क्योंकि गेट वगैरह आप लोग देखे होंगे जिसमें अगर उसका कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ रहता है, तो उसको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता बरसात के दिनों में, लेकिन जिसका आदि नहीं किया रहता है तो उसमें क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि उसका जो कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, जो भी ऑब्जेक्ट का, उसका सरफेस का, मेटालिक ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोगों को सबसे पहले बचाने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, मेथड होता है। वही लिखा है कि जो भी हम बताएं वही यहाँ पर लिखा है कि दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस, वो उसका सरफेस को हम लोग कवर कर सकते हैं कोई भी चीज़ से, ताकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमारा ना रहे, विथ पेंट और बाय सम केमिकल, पेंट से कर सकते हैं और कुछ केमिकल, जैसे कि नाम लिया गया है बिस फिनोल लिया गया है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है बिस फिनोल, तो बिस फिनोल नाम का भी यहाँ पे एक केमिकल, उससे भी हमको जो है कोरोजन से यहाँ पे छुटकारा मिल सकता है। आगे लिखा गया कि अनदर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है, अनदर एग्जाम्पल जो होता है वो कुछ इस तरह के मेथड होता है, कवर सरफेस बाय अदर मेटल। ठीक, और भी मेटल के द्वारा इसको कवर किया जाता है, जैसे कि टिन हो गया, जिंक हो गया, इसके माध्यम से उसको कवर किया जा सकता है। दैट इनर्ट और रिएक्ट, यहाँ पे इनर्ट लिखा गया है तो इसको आप लोग याद रखिए, इन ये तो यहाँ पे लिखा ही गया है, आई सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया कि इनर्ट होता है रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हमारा जो है एटमोसफेयर से वहाँ रिएक्ट नहीं करता है, और कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट को जो है सेव करता है, मतलब बचाता है। फिर आगे क्या लिखा गया है, ये प्रिवेंशन में सारा आ रहा है, तो आप इसको पॉइंट वाइज आप एग्जामिनेशन में यदि आता है व्हाट इज कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, गिव सुटेबल प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इस तरीके से, तो आप इसको बना के खुद से लिख सकते हैं कोई कि उसको पेंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल का यूज करके उसको कर सकते हैं, उसके सर्फेस को कवर करके कर सकते हैं, ये सारा कुछ कुछ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे और भी है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज़ टू प्रोवाइड अ सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड टू ऑफ अनदर मेटल लाइक, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ETC, विच कोरोड्स इटसेल्फ बट सेव द ऑब्जेक्ट। लेकिन वो क्या करता है कि खुद, मतलब वो कोरोड हो जाता है, लेकिन हमारा जो मेटल है, क्योंकि मेटल थोड़ा मजबूत रहता है, तो उसको बचाने के लिए ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, तो वो खुद जो है रिएक्शन कर जाएगा और हमारा मेटल को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है मेटल का ऑब्जेक्ट, उसको हम लोगों को वो बचा देगा, किससे, कोरोजन से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका प्रिवेंशन के बारे में यहाँ पे बताया गया था, कोरोजन क्या होता है इसके बारे में देखें, प्रिवेंशन के बारे में देखें। तो यही हम लोगों का आज जो है लास्ट टॉपिक था, जो कि हमारा था बैटरीज था, फ्यूल सेल था, और कोरोजन, जो कि लास्ट में आपका NCERT बुक में भी दिया, तो अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया इसको, आप लोग चाहें तो एक बार किताब में जाके पढ़ सकते हैं, बाकी सारा कंटेंट वही सारा है, उसी को मैंने अच्छे तरीके से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ऐसे आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का जो हमारा ये सेशन था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी तक जो भी आप लोगों ने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि कोई नहीं पढ़े अच्छे से, तो शुरुआत कीजिए वहाँ से, वीडियोज़ को देखते जाइए, ज़्यादा अभी वीडियोज़ नहीं है, लगभग 8 से 10 वीडियो हैं, तो उसको आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी तक हम लोग दो चैप्टर किए हैं, तो अच्छे तरीके से इसी तरीके से सारा कवर होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और बस यहाँ तक आए हैं तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा से अच्छा कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे चैनल पे विजिट किए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर लेना है इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए। और बस इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।